भावार्थ प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। राम के प्रति वे पूर्ण रूप से समर्पित है। रैदास इन पदों में स्वयं को पानी, पाती, धागा, दास संबोधित कर भगवान को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। एक अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अगन बास समानी, प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास अपने आप को राम के प्रति समर्पित कर कह रहे हैं कि प्रभु तुम और मैं अलग कैसे हैं, हम तो एक दूसरे में समा गए हैं, जहां आप हो वहां मैं हूं, हम तो एक दूसरे में समा गए हैं, जहां आप हो वहां मैं हूं, राम नाम की रट से अब मैं कैसे छुटकारा पाऊं। हे प्रभु तुम चंदन की तरह हो और मैं पानी, मेरे अंगंग में तुम्हारी खुशबू समा गई है, हम दोनों अलग कैसे हो सकते हैं। प्रभु जी तुम धने जंगल हो और मैं जंगल का मोर हूं, जंगल को छोड़ मोर कहा जा सकता है, जैसे चकोर पंछी को चांद लुभाता है वैसे ही तुम मुझे लुभाते हो। हे प्रभु तुम दीपक और मैं बाती हूं जो दिन रात जलती रहती है और तू प्रकाश देता रहता है। हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूं। रैदास तुमसे इस तरह जुड़ा हुआ है, रैदास तुम्हारा ऐसा भक्त है। दोत रैदास श्रम करी खाए ही जो लौ पार बसाए, नेक कमाई जड़ करे कभुर न निफल जाए। दो यहां परिश्रम का महत्व बताते हुए रैदास कह रहे हैं सबको परिश्रम कर जीवन यापन करना चाहिए, ना ही कोई आलसी हो न कोई कामचोर। इस जिंदगी से वही पार होगा जिसने श्रम का, मेहनत का महत्व जान लिया हो, परिश्रम में धोखा न हो। इसलिए आगे वे कहते हैं कि नेकी से जो कमाई करोगे तो कुछ भी निष्फल न होगा। ईमानदारी बड़ी चीज है, जीवन में सफलता उसी से मिलेगी। तीन ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अब, छोटा ब्रो सब संबस है। रैदास रहे प्रसन्न। रैदास इन पंक्तियों में एक राज्य के बारे में कह रहे हैं कि मुझे ऐसे राज्य में रहना है जहां कोई भूखा न रहता हो, सबको खाने के लिए अन्न मिलता हो, जहां अमीर गरीब ऊंच नीच का कोई भेदभाव न हो, सबको जहां समान रूप से सम्मान मिलता हो, छोटे बड़े का भेदभाव न हो।